Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. Standard 9, chapter number 11, tables and mail merge. Today, I will explain you how to inserting a tables, how to format in. Okay? Let's see. First of all, how to start writer. See this pointer. Click start button, and then you will see this submenu. Okay, in search programs and file box you have to type writer, WRITER. Only I have just write WRI, and then you will see OpenOffice ORG writer icon will be there. Okay, click this icon, and then after some time you have to see open writer. This window is writer window. Okay, first of all you have to see the screen blank page. Now we have insert table in this page. First of all you have to go in table menu, see this menu. Okay, click this option, and then first option insert, and then you have to see small facing arrow table. Okay, click this option and you have to insert table with the help of table option. Okay, shortcut key of inserting table, Ctrl+F12. Click this option. Now you have to see insert table dialog box. See this. Okay, first option is name. Type table name. Okay, by default table 1. Now I have typed my table. Okay, and then next option columns. आपको कितनी कॉलम्स ऐड करनी है और कितनी रोज ऐड करनी है, यहां से आप इंसर्ट करा सकते हो. फॉर एग्जांपल लाइक 6 कॉलम्स एंड 10 रोज. ओके, एंड देन प्रेस ओके बटन. नाउ यू हैव टू सी टेबल विल बी इंसर्टेड ऑन योर स्क्रीन. टेबल जो है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इंसर्ट हो गया. अब इसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ अपने टाइप करेंगे. ओके, फिर उसको कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, सेल को मर्ज करेंगे, बहुत सारा मतलब उसका जो प्रैक्टिकल अपने टेक्स्ट बुक में दिया है जो अपने अभी करेंगे. ओके, फर्स्ट अपने यहाँ पे उसको क्या करेंगे, हेडिंग में जो दिया हुआ है रो उसको अपने मर्ज करेंगे. तो टेबल ऑप्शन के अंदर जाके मर्ज सेल. ओके, अब फॉन्ट की साइज अपने यहां पे इंक्रीज करेंगे लाइक 24 एंड टाइप टाइम टेबल. ओके, विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन सेंटर. ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे, फॉन्ट का कलर जो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन फॉन्ट कलर. फॉर एग्जांपल रेड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जो भी अपनी चॉइस का आपको करना हो दे सकते हो. देखो यहाँ पे मैंने कलर भी किया है और बैकग्राउंड कलर किया है फॉन्ट का कलर. ओके, अब अपने यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे. अगेन यहाँ पे मैं फॉन्ट की थोड़ी साइज इंक्रीज कर देता हूँ. ओके, लाइक नंबर MON मंडे, TUE ट्यूसडे, WED वेनसडे, THU थर्सडे, फ्राइडे. अब मेरे को यहाँ पे सैटरडे भी इंसर्ट करना है,
ओके तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में अभी यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कराऊंगा। ओके तो यहाँ पे देखो टेबल के अंदर ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम। अब यहाँ पे कितनी कॉलम चाहिए, ओनली वन, एंड देन प्रेस ओके। तो देखो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गई। अब वापस इसको यहाँ मर्ज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आ गई है, तो वापस क्या करेगा अपने मर्ज सेल। अब यहाँ पे फ्राइडे के बाद में लिखूंगा सैटरडे। ओके अब यहाँ पे कॉलम की जो वीथ है मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ड्रैग करके, और यहाँ पे हेडिंग को भी मैं थोड़ा फ़ॉन्ट का कलर, उसकी अलाइनमेंट भी सेंटर। ओके तो यहाँ पे अपने टाइम टेबल क्रिएट करते हैं। नंबर वन, फॉर एग्जांपल आपके पीरियड है मंडे को फर्स्ट पीरियड गुजराती, ट्यूसडे को फॉर एग्जांपल हिंदी, वेनसडे को मैथ्स, थर्सडे को इंग्लिश, फ्राइडे को गुजराती और सैटरडे को कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल। ओके यहाँ पे मैंने टाइप किया, ऐसे ही पूरा आपको टाइम टेबल आपका बनाना है। ओके ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कूल पे आते ही है ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिस करते ही हो, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स घर पे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वो लोग के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ खास करके कि आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है। लेट सी अपने अभी यहाँ पे कॉलम जैसे इंसर्ट की, यहाँ पे रो को भी इंसर्ट कराना है। जैसे यहाँ पे देखो ये लास्ट रो है, मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ तो आपको आइडिया। अब मेरे को रो को इंसर्ट कराना है, यहाँ पे अपना कर्सर दिख रहा है लास्ट में। ओके तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, ऐसे आर आर ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे रो इंसर्ट कराने सेम टेबल इंसर्ट एंड रोज बिफोर आफ्टर जो भी आपको कराना है देन एंड ओके। देखो मैंने आफ्टर सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे आर आर जो लिखा था रो के अंदर उसके बाद की यहाँ एक रो ऑलरेडी इंसर्ट हो गई। ओके अब ये टेबल है उसको फॉर्मेट करना है आपको, तो राइटर के अंदर ऑटो फॉर्मेट का एक ऑप्शन है जिससे आप टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल में पूरा टेबल अपने सिलेक्ट करते हैं, टेबल के अंदर ऑटो फॉर्मेट। ओके देखो यहाँ पे अभी टेबल की फॉर्मेट अलग अलग देखो यहाँ पे है, जो भी आपको रखनी है इसमें से सिलेक्ट करके आप रख सकते हैं। देखो बहुत सारी फॉर्मेट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन जो फॉर्मेट है वो मैंने सिलेक्ट की एंड देन ओके। तो देखो पूरा जो टेबल था वो उसकी जो फॉर्मेट के हिसाब से क्या हो गया, चेंज हो गया उसकी फॉर्मेट। ओके अब वापिस मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ कैसे अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते। ओके देन अभी सेल को स्प्लिट करना है, यानी कि देखो ये सेल है इसको मेरे को यहाँ पे स्प्लिट करना है, तो मैं टेबल के अंदर जाके स्प्लिट सेल ऐसा ऑप्शन है। कितनी सेल करनी है तो कि मेरे को 4 सेल स्प्लिट करनी है, जहां पे कर्सर होगा वहां से देखो 4 सेल जो है वो स्प्लिट हो गई। ओके ये सेल आपकी जो थी वो एक ही है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4 4 सेल जो है वो स्प्लिट हो गई, इसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। ओके नेक्स्ट टेबल के अंदर एक टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर ऑप्शन है फॉर्मेट का, जिसके अंदर अपने टेबल का जो है बॉर्डर अपने दे सकते हैं, कॉलम्स जो है उसकी विड्थ अपने चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्लो जो टेक्स्ट के जो अपने ब्रेक करना हो तो वो भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड अपने कलर देने हो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ बैकग्राउंड कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेबल यहाँ सिलेक्ट करूँगा, देन टेबल प्रॉपर्टीज देन बैकग्राउंड। अब मैं आप बैकग्राउंड कोई भी कलर दे सकता हूँ, देखो पूरा टेबल का कलर जो है वो बैकग्राउंड सेट हो गया। ओके वैसे ही टेबल के अंदर जाके बॉर्डर अपने टेबल की बॉर्डर देनी है, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बहुत सारी बॉर्डर्स है, अब यहाँ पे उसकी जो है स्टाइल दी हुई है बॉर्डर की, उसके कलर भी अपने यहाँ चेंज कर सकते हैं उसके कलर बॉर्डर का। ओके अब मैं ये वाला ये जो बॉर्डर है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं उसकी जो साइज है बॉर्डर की
फॉर एग्जाम्पल ये एंड देन ओके, तो देखो यहाँ पूरे उसकी बॉर्डर जो है वो चेंज हो गई। ओके ऐसे ही आप बैकग्राउंड कलर बॉर्डर टेबल के अंदर दे सकते हो। अब नेक्स्ट है नेस्टेड टेबल्स, यानी कि टेबल के अंदर दूसरा कोई टेबल आपको बनाना हो जिसको बोलते हैं नेस्टेड टेबल। जैसे अभी देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है, अब मैं कलर इसका सिंपल जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कर्सर अपना दिख रहा है, इसको मेरे को नेस्टेड टेबल यहाँ पे अंदर एक और टेबल डालना है, इंसर्ट करना है। तो आप इसमें टेबल के अंदर इंसर्ट और टेबल कितनी कॉलम, नंबर ऑफ फोर कॉलम एंड टू रोज, देन प्रेस एंटर। सी देखो ये टेबल एक इंसर्ट हो गया, इसको बोलते हैं नेस्टेड टेबल। ओके तो ये हुआ आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसको फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कॉलम को कैसे इंसर्ट करना है। ओके अगर टेबल को कैसे डिलीट करना है और कॉलम और रो को कैसे डिलीट करना है तो भी यहाँ ऑप्शन है। देखो यहाँ एक ऑप्शन है इंसर्ट रो, डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हो, ऐसे ही ऑप्शन है डिलीट रो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर यहाँ पे है अभी, अब मैं यहाँ डिलीट रो पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली देखो रो जो है वो डिलीट होगी। वैसे ही सेम इंसर्ट रो पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट टेबल के अंदर हो जाएगी। अब यहाँ पे डिलीट कॉलम, तो देखो मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, अब इसको कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम। तो डिलीट कॉलम में क्या होगा, पूरा वो एक टेबल ले लेगा साथ में। तो अपने को क्या करना है, टेबल अगर डिलीट करना है तो डिलीट टेबल, तो पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके समझ में आ रहा है सबको, आई होप के वीडियो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। देखो वापिस मैं कंट्रोल जेड से अंडू करूंगा तो टेबल अपना जैसा था वैसा आपको दिखेगा। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।